दूसरा सेमीफाइनल अब स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्ली मोरा वर्सेस नवाज इलेवन सूरत। नवाज इलेवन सूरत ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। दूसरे सेमीफाइनल की पहली गेंद सामना करेंगे अय्याज। अच्छी गेंद वहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला। पहला रन तेजी से लिया, दूसरा लेना चाहते लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पे सलमान की। इसके साथ खाता खुलता हुआ दूसरा सेमीफाइनल। भावनगर मेमन मोटी जमात को खूब खूब बधाई जो पहली टीम बनी है फाइनल में प्रवेश किया है। अच्छी गेंद यहां पे नवाज की। और एक डॉट बॉल। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहां पे सूरत नवाज इलेवन की ओर से। नवाज बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, पूरी तरह से ब्लॉकल वाली गेंदबाजी। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे वहां पे जहीर मेमन को, एक अच्छे बल्लेबाजों में से एक जहीर मेमन। अच्छी गेंद फिर से वहां पे लेकिन एक रन।
एक ओवर 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम बिल्ली मोरा। ओके, व्हाइट बॉल।
काफी बढ़िया शॉट यहां पे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। दो ओवर दो गेंद 32 रन, एक विकेट के नुकसान पर टीम बिली मोरा। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पे जहीर मेमन की। 8 गेंदों में 22 रनों पर पहुंच चुके हैं, 8 गेंदों में 22 रन, 32 रन, एक विकेट के नुकसान पर टीम बिली मोरा। काफी अच्छा स्टार्ट यहां पे बिली मोरा की ओर से। अगली गेंद के लिए तैयार सरफराज जंदीरा। भावनगर पुगी भी है फाइनल में। वो अंकल तो का याद करना वा ये पंजे कैमरे वाला। हाँ कैमरे वाला ना वा अंकल गोपाल ना है पंजे संकेत भाई। हाँ बेटा हाँ बेटा चलने भाई चलने यार कितना मुत्ता है तू तो यार। Thank you.
पटकी हुई गेंद थी वहां पे, बढ़िया कमबैक सरफराज जंदीरा के द्वारा। तीन ओवर 36 रन, दो विकेट के नुकसान पर टीम बिल्ली मोरा। काफी अच्छा स्टार्ट यहां पे बिल्ली मोरा के द्वारा, तीन ओवर में 36 रन बना लिए। अब आ हैं हार्ड हिटर बैट्समैन इरफान मेमन। इरफान डब्बा वाला तीन ओवर के बाद 36 रन, दो विकेट के नुकसान पर। अभी भी जहीर मेमन नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली उनके बल्ले से, हवा का पूरा फायदा उठाते हुए जहीर मेमन। गेंदबाजी में बुलाया है जमाल चाचा को, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं यहां पे जमाल चाचा। दूसरा सेमीफाइनल सूरत वर्सेस बिल्ली मोरा के बीच में। पटकी हुई गेंद थी वहां पे, मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। काफी बढ़िया गेंद वहां पे, बढ़िया गेंदबाजी। जमाल चाचा बेहतरीन गेंद और इरफान डब्बा वाला काफी खतरनाक बैट्समैन हार्ड हिटर। लाइन और लेंथ के साथ यहां पे गेंदबाजी होती हुई सूरत की ओर से जमाल चाचा, बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा यहां पे। बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं, उठाकर खेला है लेकिन फाइन लेग की दिशा में माज दलाल मौजूद, कोई रन नहीं, सॉरी एक रन, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन, दो विकेट के नुकसान पर बिल्ली मोरा के। अच्छी गेंदबाजी यहां पे, स्लोवर गेंदबाजी करते हुए हमारे जमाल चाचा। अच्छी गेंद वहां पे लाइन और लेंथ के साथ जहीर मेमन, मिड विकेट को टारगेट करते हुए उठा के खेलना चाहते थे लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पे जमाल अगाड़ी की। इस बार उठा के खेल दिया है सीधा परवेश के हाथों में और एक विकेट यहां पे जहीर मेमन के रूप में। बड़ा झटका लगता हुआ और कोई गलती नहीं की यहां पे परवेश नगरिया ने, और एक झटका लगता हुआ यहां पे टीम बिल्ली मोरा को, तीसरा झटका, काफी बड़ा झटका। अब देखना है कौन सा बल्लेबाज आता है, शाहनवाज मेमन, सानू, सानू और इरफान डब्बा वाला की जोड़ी पूरे मेमन जमात में मशहूर, सानू और इरफान डब्बा वाला। आखिरी गेंद इस ओवर की, काफी अच्छा ओवर यहां पे सूरत के लिए जमाल अगाड़ी के द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी, सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पे सानू ताज और इरफान डब्बा वाला। अब देखना है यहां से किस तरह बल्लेबाजी करते हैं और अपनी टीम के लिए कौन सा स्कोर खड़ा करके रखते हैं। चौथा ओवर काफी अच्छा ओवर रहा यहां पे जमाल अगाड़ी का। बढ़िया शॉट यहां पे, पहले ही गेंद पे प्रहार, सानू ताज के बल्ले से निकलता हुआ पहला सिक्सर, काफी बढ़िया शॉट यहां पे। 43
चार ओवर के बाद 43 रन, तीन विकेट के नुकसान पर बिल्ली मोरा। आपके पास अगर गेंदबाजी अच्छी हो तो 60-65 रन भी आप डिपेंड कर सकते हो, लेकिन गेंदबाजी होनी चाहिए उस तरह से। नए गेंदबाज नवाज, भाई थोड़ा जल्दी करना, 2 बज गए हैं। काफी लंबा सिक्स मिड विकेट के ऊपर से, इरफान डब्बा वाला और सानू ताज काफी अच्छे बल्लेबाजों में से एक, ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ 51 रन बन चुके हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। फिर से वही दिशा में और एक छक्का, बैक टू बैक सिक्सर, इरफान डब्बा वाला ऑन फायर, सटासटी और फटाफटी के मूड में अब इरफान डब्बा वाला और सानू ताज, क्या बढ़िया शॉट देखने मिला है, ब्लॉक बॉल को सिक्सर, खूबसूरत शॉट का नजारा यहां पे इरफान डब्बा वाला के बल्ले से। आखिरी ओवरों में आते हैं डेथ ओवर में और काफी बढ़िया शॉट देखने मिला यहां पे, बैक टू बैक 2-6, अगली गेंद के लिए तैयार। फिर से उठाया खेला है लेकिन इस बार सेमीफाइनल में इरफान डब्बा वाला का कैच ड्रॉप सरफराज जंजीरा के हाथ में, अब देखना है ये कितना महंगा पड़ सकता है, आने वाला वक्त बताएगा ये। इसके पहले के सेमीफाइनल में काफी कैच छूटे थे लेकिन भावनगर की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और एक टारगेट चेस किया, अब देखना है ये कितना महंगा पड़ सकता है। इरफान डब्बा वाला का कैच, कैच छोड़ो मैच छोड़ो।
पांच ओवर 60 रन। यासीन मामा पांच ओवर 60 रन 6-0-60। अच्छी गेंदबाजी यहां पे ब्लॉक होल में गेंदबाजी होती हुई। What a shot! What a shot! कवर के ऊपर से चार रन। ब्यूटीफुल शॉट का नजारा यहां पे सानू ताज के द्वारा। बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बार उठा के खेल दिया है फील्डर में, खुद फॉलो थ्रू में यासीन चिकन। कोई गलती नहीं की वहां पे, काफी बड़ा विकेट यहां पे सानू ताज को आउट किया, ब्रेक थ्रू दिलाया वहां पे यासीन चिकन ने। यासीन चाचा और जमाल चाचा जोड़ी है जोड़ी। अवेश टोपी वाला की टीम में जो मोहम्मद भाई जुड़ा है ने, ये उनका लकी चाम है, इतिहास गवाह है। मोहम्मद जुड़ा जो भी टीम में खेलता है वो टीम आगे बढ़ती है। दो साल पहले आर्नोल्ड 11 में खेले थे और चैंपियन हुई थी। इस बार परवेज नगरिया आए हैं अवेश भाई टोपी वाला की टीम में। सिंगल हैंड एंड परवेज नगरिया ने सेमीफाइनल जिताया था, सॉरी क्वार्टर फाइनल। दो बड़े मैक्सिमम लगा के अपनी टीम को सेमीफाइनल में प्रवेश कराया परवेज नगरिया ने। अगली गेंद यासीन मामा। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहां पे सूरत की ओर से। अच्छा शॉट यहां पे उठा के खेला है लेकिन, और ये बड़ा झटका। हेलो महंगा नहीं पड़ा सरफराज जंदीरा का कैच। इरफान डब्बा वाला आउट होके अपने आप से काफी नाखुश। अब उनका स्थान लेना है सब्बीर सलाट। सब्बीर सलाट रन कितने हुए? 64 रन। लास्ट बॉल है, आखिरी गेंद 64 पे रुका हुआ स्कोर। बढ़िया कमबैक यहां पे सूरत के नवाज 11 की।
6 ओवर 66 रन। अंपायर एक 2 मिनट रोकना भाई। भाई अंपायर नहीं है, नो बॉल। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74 6.2 ओवर्स। और ये बहुत ही अच्छी कीपिंग यहां पर, डॉट बॉल, बढ़िया बॉल सरफराज जंडीरा।
बहुत ही अच्छी मैच यहाँ पर सुल्तानिया क्रिकेट ग्राउंड पर। और ये वापस लंबा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुए, इतनी अच्छी बॉलिंग। नवाज इलेवन वापस गेम में आते हुए, अच्छी बॉलिंग का नजारा। और ये वापस एक बार गेप में, यकीनन शॉट है लेकिन वहां पर बैट्समैन नेम अल्फू अल्फेज। अभी देखना है यहां पर दोनों बल्लेबाज ये लास्ट ओवर में अपनी टीम के लिए कितने रन ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। अपनी अपनी टीम के प्लेयर्स को लेके ग्राउंड पर पीछे यूसीए पर खाना लगा हुआ है। भावनगर इलेवन सब अपने प्लेयर्स को लेके पहुंच जाए, आपका इंतजार कर रहे हैं वहां पर। इसके बाद आपको फाइनल खेलनी है, अभी खाना अभी हो जाएगा, जल्द से जल्द खाने पे पहुंच जाए प्लीज, रिक्वेस्ट। जवाहर मेहमान मोटी जमात प्लीज आप लोग भी जल्दी पहुंच जाए, आपका भी इंतजार कर रहे हैं वहां पर, खाने के लिए रेडी है। खाने के बाद ही फाइनल का मुकाबला चालू होगा, ताकि अभी ये खाने का प्रोग्राम पूरा कर दे प्लीज। बहुत ही बढ़िया शॉट सब्बीर भाई के बल्ले से लगने वाला है, पहला सिक्स था। वापिस एक बार आवाम उठाया गेप में, यकीनन है। और ये चार रन, मिस फील्डिंग के कारण चार रनों की कोई गुंजाइश नहीं, गेप में था, अच्छी ट्राई की थी वहां पर सनी ने। स्कोर एटी सिक्स, आउट ऑफ ग्राउंड, बहुत ही लंबा सिक्स। सब्बीर भाई ने यहां पर धमाल मचा दिए, बहुत ही बढ़िया सिक्स, सिक्स फोर सिक्स। बीच में टप्पा पलिसमैन होते हुए यहां पर, समझदारी वाली रनिंग बिटवीन विकेट। लास्ट बॉल ये इनिंग का यासीन, सामना करेंगे सब्बीर भाई। बहुत ही अच्छा बॉल, डॉट बॉल, इनिंग की समाप्ति। और यहां पर बिली मोरा ने 93 रन बनाए और नवाज इलेवन को 94 रन की जरूरत 8 ओवर के अंदर। बहुत ही अच्छा मुकाबला, डू और डाई। जवार वाले जल्द से जल्द खाना खा लें, आपका इंतजार कर रहे हैं।
अभी तक एक टीम फाइनल में पहुंच गई है। भावनगर 11 काफी अच्छी गेम खेली थी इसके पहले की सेमीफाइनल में। उनके कप्तान सोहेल मेमन बहुत ही बढ़िया खेल के अपनी टीम को जिता कर आए थे। और उसके बाद का ये दूसरा सेमीफाइनल जो बिलीमोरा और नवाज के बीच में, बिलीमोरा ने 94 का टारगेट दिया है, नवाज 11 को 94 रन टू विन करना है। अब देखते हैं ये मैच जल्द से जल्द बल्लेबाज को भेज दीजिए नवाज 11, और बॉल भी बॉल सिलेक्ट करने के लिए आ जाइए कमेंट्री बॉक्स पर नवाज 11। ये आमिर भाई करके लड़के आए हैं, एक बॉल सिलेक्ट कर लो प्लीज अवेश टोपी। जल्द से जल्द बॉल भेजा है सलीम भाई ने, आप सिलेक्ट कर लो। बिल्ली मोड़ा की टीम फील्डिंग पर पहुंच गई है। बॉल सिलेक्ट करके अंपायर को दे दीजिए अवेश टोपी, जो बॉल में पसंद करने में माने जाते हैं। बिल्ली मोरा ने एक अच्छा टारगेट दिया है और नवाज 11 भी ये टारगेट पार करने जानती है। दोनों टीम अच्छी है, दोनों टीम बैलेंस है। देखते हैं आज दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अवेश टोपी और सरफराज जंडीरा। दोनों ही काफी बड़े धुआंधार बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, सरफराज जंजीरा और अवेश टोपी। जुनेद भाई वोड़ावाला का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, सलीम भाई उनको लेके जा रहे हैं खाना खाने। बापू बिल्ली मोड़ा के सरताज, पहला ही फुल टॉस और पहली बॉल पे 6 रन। कादर भाई पहला ही बॉल फुल टॉस और पहला ही बॉल पे जंडीरा ने लगा दिया 6 रनों के लिए, कोई मौका नहीं। एक बॉल 6 रन। ये बॉल है, ये बॉल डालेंगे बल्लेबाज को बनाना पड़ेगा
और काफी अच्छा शॉट था इसके पहले का सरफराज जंडेजा का। कादर बापू बहुत ही चौंकाने हैं, हर चीज देखते हैं। एक रन अवेश टोपी स्ट्राइक पर बहुत ही लंबे लंबे हिट मारने में जाने जाते हैं, देखते हैं आज अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। और ये हल्की सी मिस फील्ड, बाकी रन आउट का चांस था। बहुत ही अच्छी बॉल, अच्छा कमबैक बापू का, बहुत ही बढ़िया बॉल, ब्लॉक होल में बॉल था। यकीनन बल्लेबाज को ये बॉल में काफी तकलीफ पड़ती है, शॉर्ट लंबा हिट लगाना काफी हार्ड है। वो बहुत ही बढ़िया बॉल, ये बॉल था लेकिन नो मैन लॉन्स, कोई फील्ड नहीं, एक रन। एक ओवर 9 रन बिना कोई नुकसान। पहली बॉल पर सिक्सर लगा था, इसके बाद कोई बड़ा हिट नहीं आया, लेकिन यकीनन 9 रन यहां पर स्कोर खड़ा कर दिया है नवाज 11। काफी डिस्कस हो रही है, बिल्ली मुरा 11 में सलीम भाई नहीं है अभी यहां पर ग्राउंड पर। एक ओवर 9 रन बिना कोई नुकसान, 94 का टारगेट है अब्दुल कादिर बॉलिंग करना है। स्ट्राइक पर सरफराज जंडीरा, बहुत ही बढ़िया मैच, बहुत ही बड़ा मुकाबला। और ये हवा में यकीनन बढ़िया कैच, सानू के हाथ में सीधा। इसी के साथ सरफराज जंडीरा का एंड हुआ, कोच बाय सानू, बॉल बाय अब्दुल कादिर, स्कोर रुका हुआ 9 रन।
सनी सौदागर क्रीज पर मौजूद, दूसरे बल्लेबाज। फुल टॉस बॉल थी, अच्छा शॉट अवेश टोपी का, लेकिन एक रन ही मिलेगा, प्लेयर मौजूद। लंबा शॉट लगाना चाहते थे, मिस हुए। बॉलर अपना अच्छा काम कर रहे हैं, बल्लेबाज को थोड़ा अच्छा से खेलना होगा। अच्छे टप्पे, अच्छी बॉल, अच्छी लेंथ की नजारा यहां पर अब्दुल कादिर के द्वारा। ओ हो, बढ़िया सिक्स। सनी सौदागर ने बहुत ही बढ़िया लंबा सिक्स। सनी सौदागर चाहे लेदर बॉल हो, चाहे टेनिस, चाहे प्लास्टिक, लंबे लंबे सिक्स लगाते हैं तीनों फॉर्मेट में। और ये बहुत ही बढ़िया लाइन यहां पर अब्दुल कादिर की, 16 रन, दूसरी ओवर चालू है, 94 का टारगेट है। सोलह रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर चालू है। सनी ने एक सिक्स लगा दिया, बहुत ही बड़ा लंबा सिक्स था, एक सरफराज जंडीरा ने लगाया था। और ये दूसरा सिक्स, बहुत ही बढ़िया सिक्स। इसी के साथ स्कोर 1 बॉल 2 थी इसके पहले। बहुत ही बढ़िया 2 सिक्स लगाए यहां पर सनी सौदागर ने, 2 ओवर 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया सिक्स, दोनों सिक्स बहुत ही बढ़िया थे, लाजवाब सिक्स लगाए सनी सौदागर ने। अभी नए गेंदबाज आए हैं, शाहनवाज, सानू। मुजाहिद बचून था, 72 रन बाकी है ने, 12 छक्का मारन जाए, खाली 12 अवेश टोपी के मारन जाए। मुजाहिद भाई नवाज पार्क जी भाषा बोलन था, 12 छक्का मारन जाए खाली। बढ़िया मैच, बढ़िया नजारा, सुल्तानिया क्रिकेट ग्राउंड रांदेर। इतना ही बड़ा मैच जो जीता वही सिकंदर। ओ हो, बहुत ही बढ़िया बॉल,
अब इस टोपी को ब्लॉक में डाली थी, इतना ही अच्छा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बल्ले का कनेक्ट नहीं हुआ। डॉट बॉल, सानू की काफी अच्छी बॉल। वापिस लंबा शॉट मारना चाहते थे लेकिन इरफान मेमन एक रन से संतोष। अब आए स्ट्राइक पर बूम बूम सनी। और ये कैच ड्रॉप, कैच छोड़ो मैच छोड़ो। टेनिस क्रिकेट में सबसे अलर्ट रहना पड़ता है कीपर को, कीपर सबसे अलर्ट फर्स्ट नंबर पे रहना पड़ता है। ओ हो, बहुत ही बढ़िया सिक्स। सुल्तानिया विकेट की मिट्टी मिट्टी में सनी भाई का आइडिया है कि कहां से कहां बॉल जाती है और कहां से कहां खेलना है। यकीनन वाइट, क्रिकेट गेम ही ऐसी है, एक सिक्सर के बाद बॉलर के ऊपर प्रेशर, एक विकेट के बाद बैट्समैन के ऊपर प्रेशर। बहुत ही अच्छा बॉल, लंबा शॉट खेलना चाहते थे। बहुत ही अच्छी पेस भी है। और ये कोच बिहाइंड, बहुत ही अच्छा बॉल, आखिरकार कीपर ने अपनी गलती को सुधार लिया और कैच पकड़ के अपनी टीम को एक विकेट दिलाई। इतनी अच्छी बॉलिंग सानू की। मोहम्मद साहिल भाई ने अच्छा कैच लिया यहां पर। मुजाहिद भाई के डुप्लीकेट परवेज भाई अपनी टीम को, इसके पहले की मैच बहुत ही अच्छा जिताया था परवेज भाई ने। गेम हल्की सी फंस गई थी जो लॉन्ग ऑफ पर छक्का मारा था, बहुत ही प्यारा सिक्स था वो। स्कोर यहां पर 30, 3 ओवर 30 रन, 2 विकेट। रिजवान बाबू नए बॉलर मिली मोरा के लिए। और ये सीधा हाथ में, अवेश टोपी। अवेश टोपी का मैंने ये पहली बार कच्चा शॉट देखा, बाकी ये बॉल पे तो ये लंबा खुदा देते हैं। थोड़ा सा बॉल स्लो आया उन पे बैट पे, पहले से बैट घूम गया था। भावनगर फाइनल में पहुंच गई है। अभी ये दोनों टीम में से कौन जीतता है और भावनगर के सामने खेलेगा देखते हैं। अब इस टोपी का बहुत बड़ा विकेट था। मेमनी भाषा में ही डूंडियो शॉट लगियो।
ये जो बल्लेबाज है इनके कोच है मुजाहिद भाई डब्बा वाला। बढ़िया सम्मान, बढ़िया बॉल, बढ़िया सम्मान, इतनी अच्छी विकेट, इतना अच्छा ग्राउंड। और ये परवेज, बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट। रॉन्ग शॉट खेल बैठे, नवाज इलेवन को ये काफी बड़ा झटका। अवेश टोपी, परवेश, सनी सौदागर, बड़े बड़े नाम। परवेश की बैटिंग के लिए तो कहां कहां से पब्लिक आई थी, सब रिक्शा करा करा कर जाने लगी है। और यहां पे रिजवान बाबू के लिए एक अनाउंसमेंट है, ये अगर एक भी और विकेट लेते हैं तो समीर भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अच्छी गेंद वहां पे सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद अय्याश, जब तक फील्ड करते आसानी के साथ एक रन चुका लिया। काफी रोमांच अब मैच में आ चुका है यहां पे। इकतीस रन पे चार विकेट गिर चुके हैं, चारों अच्छे बल्लेबाज अब डगआउट में आ चुके हैं, सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलती की, क्यों बल्ला उठाया कि डगआउट में आके बैठना पड़ा। इकतीस रन चार विकेट के नुकसान पर काफी रोमांचक मुकाबला। डिफेंडिंग चैंपियन बिल्ली मोरा देखना है अपना टाइटल डिफेंड कर पाती है नहीं, लेकिन अभी भी मैच दोनों तरफ आग लगी है। बिल्ली मोरा वर्सेस सूरत के बीच में जब जब मुकाबला हुआ है कांटे की टक्कर देखने मिली है। अब यहां से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत, नवाज इलेवन को एक साझेदारी के बाद उसको सटासटी और फटाफटी में एक इनिंग को कन्वर्ट करना होगा, तब जाके ये टोटल रन चेज हो सकते हैं। जैसे भावनगर ने एक सोहेल वलियानी ने इनिंग दिखाई थी, जब जब मौका मिला बाउंड्री में कन्वर्ट किया, स्ट्राइक रोटेट किया, इसी तरह यहां पे नवाज और माज को एक लंबी पारी खेलनी होगी अपनी टीम को अगर मैच जीतना है तो। अगली गेंद के लिए तैयार रिजवान बाबू, अच्छा शॉट और रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं वहां पे। काफी बढ़िया गेंद, नवाज नवी वाला रिवर्स खेलना चाहते थे, ये हमारे 2021 के नवाज डेविड वार्नर का लकब दिया है नवाज इलेवन ने, नवाज डेविड वार्नर। अच्छे क्रिकेटर और हमारे मुदस्सर भाई एमआर आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। नवाज डेविड वार्नर इसके बाद फाइनल का मुकाबला, भावनगर राह देख रही है कौन सी टीम आएगी उनके सामने खेलने के लिए। पहली बार पार्टिसिपेट किया और फाइनल में, अच्छा शॉट वहां पे मिड ऑफ की दिशा में, अय्याज हमजानी मौजूद, कोई गलती नहीं, आसानी के साथ एक रन पूरा लिया। ओवर की समाप्ति, चार ओवर के बाद 32 रन चार विकेट के नुकसान पर, चार बड़े बड़े झटके। अभी भी चार ओवर में मैच जीतने के लिए 62 रन चाहिए, चार ओवर में 62 रन। अब यहां पे 15-15 रन हर ओवर में चाहिए। और बिल्ली मोरा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा जल्दी करें, इसके बाद अपना फाइनल मैच एक बाकी है। अब्दुल कादिर को बुलाया है गेंदबाजी में और सामना करेंगे
नवाज नबी वाला और नॉन स्ट्राइक के ऊपर माज दलाल, एक लंबे लंबे छक्का लगाने वाले माज दलाल। हाल ही में अब एक लीग मैच लोकल मैच खेला था, उन्होंने पांच गेंदों में पांच छक्के लगाए थे माज दलाल ने। यहां पे अब जरूरत अपनी टीम को चौके छक्कों की, लेकिन अब्दुल कादिर दो लीग मैच खेले, दोनों में मैन ऑफ द मैच लेके गए हैं। अच्छी गेंदबाजी की थी वहां पे अपनी टीम के लिए, अगली गेंद के लिए तैयार नवाज नबी वाला, सामना करेंगे अब्दुल कादिर का। स्टेप भूल चुके यहां पे, 10-15 मिनट का ब्रेक मिलेगा फाइनल के लिए, उसके बाद महामुकाबला। व्हाट अ शॉट, नवाज नबी वाला के बल्ले से निकलता हुआ लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर से। जैसे ही छक्का लगा, सूरत के डगआउट में थोड़ी सी खुशी का माहौल। जमाल चाचा और यासीन चाचा कसमकस मीटिंग करते हुए यहां पे काफी लहराते हुए, हमारे यासीन चाचा मेमन कप का नाम निकलता है और ये दोनों जोड़ी जमाल चाचा और यासीन चाचा का नाम बाहर आता है, और उनके पीछे इमरान चाचा, वो अब साल ओढ़ लिए। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, भावनगर के प्लेयर से रिक्वेस्ट है पीछे हट जाए भाई, अभी ये काफी रोमांचक मुकाबला चल रहा है। टीवी के बीच में पर्दे पट्टे नहीं डाले भावनगर के प्लेयर, खुशी का माहौल मजा ले आप। अगली गेंद के लिए तैयार अब्दुल कादिर, सामना करेंगे नवाज नबी वाला, जो पहली ही गेंद पे एक लंबा सिक्स लगा चुका था मिड विकेट की दिशा में। खराब गेंद वहां पे, वाइड बॉल का इशारा, लेग स्टाम के बाहर वाइड बॉल। खराब गेंद हो रही है यहां पे अब्दुल कादिर की, उनकी आदत नहीं है इस तरह से गेंद डालने की। जब जब आए हैं टीम को अच्छी ओवर डाल के दिए, जब विकेट की जरूरत होती है तो कप्तान उनके ऊपर भरोसा करते हैं अब्दुल कादिर के ऊपर। लेकिन नवाज नबी वाला एक हार्ड हिटर, काफी अच्छे बल्लेबाजों में से एक, अब उनको साथ निभाना होगा उनके बल्लेबाज माज को। काफी अच्छा शॉट यहां पे गेंद जा रही है कादर मुकादी के हाथों में, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी बढ़िया शॉट यहां पे, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 22 गेंदों में 53 रनों की जरूरत, 22-53, 22 गेंदों में 53। इस ग्राउंड के ऊपर कोई भी टारगेट हो इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज यहां पे पॉसिबल है, लेकिन बल्ले से रन बनाने होंगे। इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट रन मुजाहिद डब्बा वाला, फुलटॉस गेंद को कन्वर्ट नहीं कर पाए यहां पे माज दलाल। अच्छी गेंदबाजी यहां पे ऑफ स्टंप पे, ब्लॉक होल गेंदबाजी हो रही है कादिर के द्वारा। पहला शतक लगाया था यहां पे मुजाहिद डब्बा वाला ने, इस टूर्नामेंट का इंडिविजुअल हाई स्कोर मुजाहिद डब्बा वाला के नाम। हर ओवर में अब दो सिक्सर लगाना कंपलसरी हो गया है नवाज इलेवन को मैच जीतना है तो। अच्छी गेंद यहां पे अब्दुल कादिर की, हार मानने वालों में से नहीं बिल्ली मोरा, लास्ट ईयर चैंपियन होके गए थे सब्बीर भाई सलाट की आगेवानी में आए थे, चैंपियन बन के गए थे। इस साल फाइनल वाली इनिंग मैच विनिंग परफॉर्मेंस अभी तक देखने मिला है। अगली गेंद के लिए तैयार अब्दुल कादिर, सामना करेंगे नवाज नबी वाला। व्हाट अ शॉट, उठा के खेल दिया सिक्स, नवाज नबी वाला ऑन फायर, पांच बॉल लास्ट बॉल। यहां से अगर कोई मैच निकाल सकता है तो हमारे बाजू में बैठे हैं एमआर मुदस्सर नकुम,
उनकी दुनिया ही अलग है, अपनी दुनिया में एनी टाइम मस्त रहते हैं। नवाज नबी वाला के साथ बहुत मैच खेली है मुदस्सर भाई नकुम ने, एमआर है एमआर। वो कहते हैं मैच का मजा कुछ अलग होगा। नवाज भाडेलिया काफी प्रेशर में दिख रहे हैं, अगली गेंद के लिए तैयार। नवाज नबी वाला सामना करेंगे अब्दुल कादिर का, आखिरी गेंद इस ओवर की। अच्छा शॉट, सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अय्याज हमजानी हल्की से मिसफील्डिंग, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पे नवाज ने। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं नवाज नबी वाला। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर के बाद स्कोर है 49, 18 गेंदों में 45 रनों की जरूरत, 18 गेंद 45 रन रिक्वायर्ड। हमारे यहां सभी आई हुई टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, भावनगर जिन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया और फाइनल में अपनी जगह बनाई। अच्छा परफॉर्मेंस, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पूरी टीम का देखने मिला है भावनगर मेमन मोटी जमात का, जवार मेमन जमात, बिल्ली मोरा मेमन जमात, चिपलून मेमन जमात, नसवाड़ी मेमन जमात और बिल्ली मोरा मेमन जमात, जो हमारी लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है। डिपेंडिंग, देखना है किस तरह से अब गेंदबाजी होगी। सानू आए हैं, सानू मेमन, अठारह गेंदों में 45 रनों की जरूरत, 18 गेंदों में 45 रन। काफी बड़े बड़े नाम इस टूर्नामेंट में खेलने आए थे, आज एक नाम बाकी था फैजान मेमन, वो भी आज आ चुके हैं लेकिन अपनी टीम को। देखना है अंपायर का इशारा, बाउंड्री रन के बाद 4 रन, 1 बाउंस चौका। क्या बेहतरीन शॉट का नजारा दिखाया यहां पे नवाज नबी वाला, आज अपनी टीम की ढाल बन के आए हैं। अभी तक नवाज ने अपनी टीम का भरोसा जीता है, देखना है कहां तक ले जाते हैं अपनी टीम को। नैया पार लगाते हैं या बीच में आके छोड़ते, लेकिन अभी तक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी नवाज नबी वाला की, खूबसूरत शॉट देखने मिले उनके बल्ले से। अगली गेंद के लिए तैयार सानू, ये गेंद ब्लॉक होल वाली, ऑफ टार्म वाइड यॉर्कर, बढ़िया गेंद वहां पे सानू ताज की। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहां पे, उतनी उससे अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली है नवाज नबी वाला की खास करके। अगली गेंद के लिए तैयार, अच्छी, खतरा हो सकता था लेग भाई का इशारा अंपायर का, खतरा हो सकता था लेकिन बाल बाल बचते हुए यहां पे मास दलाल। अब दोनों बल्लेबाजों को अगर मैच जीतना है तो हाथ खोलना होगा, बड़े बड़े हिट दिखाने होंगे। जिस तरह से नवाज नबी वाला हाथ खोलते हुए, उसी तरह से अब मास दलाल को भी लंबे लंबे हिट लगाने होंगे अपनी टीम के लिए। पंद्रह गेंदों में 40 रन, अच्छी गेंद वहां पे ब्लॉक होल में, जगह नहीं बन पा रही है शॉट लगाने की। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे सानो की, विकेट टू विकेट, कोई बड़ा शॉट खोलने का मौका नहीं दे रहे माज दलाल को, पूरी तरह से जड़ में गेंदबाजी होती हुई। अच्छी गेंदबाजी यहां पे बिल्ली मोरा के गेंदबाज सानो ताज, देखना है अगली गेंद किस तरह से खेलते हैं नवाज नबी वाला। व्हाट अ शॉट, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं वहां पे, सबीर भाई ने काफी अच्छा कैच जज किया, बढ़िया कैच, कैच ऑफ द मैच हो सकता है ये। अच्छी इनिंग की एक समाप्ति वहां पे, नवाज नबी वाला ने एक अच्छी ट्राई की थी अपनी टीम के लिए, कोशिश की थी लेकिन एक अच्छी इनिंग की समाप्ति वहां पे नवाज नबी वाला की। उनका स्थान लेने जाते हुए जमाल अगाड़ी, जमाल अगाड़ी,
जमाल अगाड़ी आए हैं। नेक्स्ट बल्लेबाज सानू ने अपनी टीम को बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया। नवाज नवी वाला इन्फॉर्म बल्लेबाज को डगआउट में भेजा। अच्छी गेंद वहां पे पटकी हुई गेंद थी, उठाकर खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में। ओवर की समाप्ति। थर्टी नाइन रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 12 गेंदों में 39 रन रिक्वायर्ड। 12 बॉल 39। रिजवान बाबू चैंपियन वाली गेम दिखाई है यहां पे बिल्ली मोरा ने। 12 गेंदों में 39 रन। ये ग्राउंड के ऊपर कुछ भी हो सकता है। हवा का साथ 12 गेंदों में 39 रन। और रिजवान बाबू को बुलाया है गेंदबाजी में। सब्बीर भाई सलाट अपनी टीम के लिए काफी मेहनत करते हुए मैच विनिंग कैच पकड़ा था वहां पे, लेकिन जब तक क्रिकेट में आखिरी गेंद नहीं गिर जाती तब तक कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। ये क्रिकेट का रूल्स है। अभी भी 12 गेंदों में 39 रन। और इस बार उठाकर खेल दिया है काफी लंबा सिक्स। व्हाट अ शॉट, मास दलाल ऑन फायर। अब आएगी मजा। काफी बढ़िया शॉट वहां पे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। 33। अच्छी गेंद वहां पे ब्लॉक होल में मना किया रन लेने से। खुद पे भरोसा जताया वहां पे मास दलाल ने। मास दलाल खुद पे भरोसा जताते हुए 10 गेंदों में 33 रन। दस बॉल 33। नौ गेंदों में 32 रन। कुछ भी हो सकता है। बढ़िया गेंदबाजी वहां पे वाइड यॉर्कर वाली गेंद रिजवान बाबू की। जितनी तारीफ करो उतनी कम। 45 साल के ये गेंदबाज रिजवान बाबू। भाई तमारो प्लेयर कई छे 45 वर्ष ना छे। अय्याज भाई कई छे। इस बार उठा के खेला है एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और एक हमारे ये 45 वाले जमाल चाचा। अच्छी गेंदबाजी की थी यहां पे जमाल ने भी। अब यहां है जो है वो सब कुछ मैच के ऊपर। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। आखिरी ओवर 30 रन चाहिए। 5 छक्के। कार्लोस ब्राइथवेट देखना है कौन बनता है। 6 गेंदों में 30 रन। कार्लोस ब्राइथवेट यहां पे आए हैं। कादर मुकाती मैच का मुजरिम बनेगा कौन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में तो बेन स्टोक बना था और कार्लोस ब्राइथवेट हीरो बना था। यहां पे देखना है कौन बनता है।
कादर मुकाती, काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों में माहिर, 55 साल के गेंदबाज कादर मुकाती। अयद भाई बराबर है ना, 55। ओके अच्छी गेंद यहां पे, अब 5 गेंदों में 5 सिक्सर, 5 गेंदों में 5 सिक्सर, देखते हैं लगा पाते हैं या नहीं। जमाल अगाड़ी चैंपियन वाली गेम दिखाते हुए यहां पे बिल्ली मोरा के प्लेयर्स, उठाकर खेला है लेकिन सीधा हाथों में, कोई गलती नहीं की वहां पे हमारे कादर भाई मुकाती, काफी क्रिकेट का अनुभव। अभी गेम के हिसाब से देखें तो 50%, 55%, 90% मैं कहूंगा फाइनल में आ चुकी है, लेकिन ये गेम है। मुजाहिद भाई कहते हैं नो बॉल डालेंगे, नो बॉल पे सत्ता खाएंगे, लेकिन अय्याज भाई नाखुश मुजाहिद भाई से। कहानी में ट्विस्ट आएगा या नहीं ये तो यही गेंद डिसाइड करेगी। और एक विकेट, और एक विकेट, हार्ड लक टीम नवाज 11 सूरत। हेलो यासीन, हेलो तोजा जरन घटन था, पेट भरी ने खाते हैं। हेलो अच्छी गेंदबाजी यहां पे कादर मुकाती की। अब फाइनल मुकाबला बिल्ली मोरा वर्सेस भावनगर के बीच में होगा। वाह भाई वाह, कहां थे ये बल्लेबाज, हवा के विरुद्ध 6 रन। शायद परवेज को नहीं भेजना था, इनको भेजना था यासीन मामा को। मैं कब मामा के जैसा खेलूंगा, परवेज नगरिया अपने आप से नाखुश। हार्ड लक टीम नवाज 11 सूरत को। कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्ली मोरा, 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट के बाद फाइनल का टॉस होगा। ओके लाइनअप, हाँ ओके ओके।